अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह हैदराबादी रेसिपीज में मैं आपको कैरी की खट्टी दाल कैसा बनाना बताऊंगी। मैं ली हूँ दाल 250 ग्राम, टमाटे 250 ग्राम, कैरी एक, मैं इसको छील के छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली, हरी मिर्ची 5-6, एक कट्टा कोथमीर, करिया पाक थोड़ा, और हल्दी 1/2 टीस्पून, मिर्ची 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, ये है राई 1/2 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, यह है एक लहसुन का एक डल्ला, बगार की मिर्ची 5-6। दाल मैं धोके रख ली थी, भिगा के रखी थी धोके, अब मैं ये पानी के साथ दाल डाल दूंगी इसमें। अब अपन टमाटे डाल देंगे इसमें, ये भी डाल देंगे इसमें, ये भी डाल देंगे। हरी मिर्ची आपके हिसाब से लीजिए, थोड़े मैं बाद में डालने के लिए थोड़े उठा के रख रही हूँ। और इसमें देंगे हल्दी, मिर्ची डाल देंगे, नमक अभी नहीं डालना, नमक अपन इसको हिलाएंगे, पानी आप देख के हिसाब से डालिए। मैं पहले भिगा के रखी थी ना, वो पानी डाल दी थी, और आधी गिलास पानी डाल रही। कैरी आपके हिसाब से लीजिए, आप लोग जैसा खट्टा खाते उसके हिसाब से लीजिए, मिर्ची की कैरी आपके हिसाब से डाल सकते। अब मैं इसको ढक्कन लगा के सीटी आने के लिए, ढक्कन लगा के सीटी आने के लिए, चलिए अब अपन इसको चेक करेंगे। 4 सीटी आ गए, स्टार्ट कर देंगे। ये माशाल्लाह दाल अच्छी तरह से गल गई। चलिए अपन इसको दाल को फूल से फोड़ देंगे। देखिए हरी मिर्ची, टमाटे सब अच्छी तरह से गल गए। ही 4 गिलास पानी डाल रही मैं, आप लोगों आपके हिसाब से जितना गाढ़ा रखना है जितना पतला रखना है वही हिसाब से आप लोग रखिए। अब मैं इसको औंटने के लिए रख दूंगी, फ्लेम पे औंटने के लिए रख दूंगी जब तक मैं, अब मैं चूल्हे पे कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई गर्म हो गई। अब मैं इसमें 4 फल तेल डालूंगी, तेल दाल में बघार अच्छा रहना, दाल में बघार अच्छा रहा तो अच्छा दिखता और टेस्ट भी अच्छा आता। सालन में तेल कम रहा तो चलता, लेकिन दाल में तेल बघार अच्छा रहना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, तेल चेक करूंगी, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें जीरा राई ऐड करूंगी,
मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। लहसुन को लाइट ब्राउन होने देना। कच्ची कच्ची है तो मज़ा अच्छा नहीं आता, टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो लाइट ब्राउन होने देना। देखिए लाइट ब्राउन होने में इसमें बगार की मिर्च डाल दी। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। देखिए ये दाल अच्छी तरह से उलट गई है। मैं इसमें डालूंगी कोथमीर, करिया पाक, हरी मिर्ची। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही। अब अपन इसको बगार देंगे। देखिए माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह, अब हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। आप ये मैं मसूर की दाल की बनाई, आप लोग तुवर की दाल में भी बना सकते हैं। देखिए मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में ख्याल रखिए, और दुआ में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए।